तो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम का ऑनलाइन टेस्ट दे दिया है, उसका रिजल्ट कितने दिनों में आएगा, या फिर आईसीआईसीआई का कौन सा बैच अभी किस बैच के लिए अप्लाई हो रहा है, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके डाउट्स होते हैं, तो आप ये पूरी वीडियो अगर देख लोगे तो एटलीस्ट आपको आईसीआईसीआई पीओ में आगे से कोई भी डाउट्स या फिर क्वेश्चंस जो है इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग नहीं होंगे, क्योंकि जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो मैंने ऑलरेडी कई वीडियोज में बताए हुए हैं, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा ताकि आपको आईसीआईसीआई से रिलेटेड जो है पीओ प्रोग्राम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो सबसे पहले बता दूं कि बहुत लोगों का यहाँ पर ये डाउट होता है कि जैसे मैंने ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट दे दिया है, ये क्वेश्चन होता है बहुत लोगों का, और रिजल्ट नहीं आया है या रिजल्ट कब आएगा। तो आप जब उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर साफ साफ ये चीज लिखी हुई है कि आपका टेस्ट रिजल्ट जो है, जब आप टेस्ट देते हो ऑनलाइन टेस्ट, तो उसके बाद 3 दिनों में जो है आपको आगे के प्रोसेस के लिए या तो ईमेल के थ्रू आपको बताया जाता है या फिर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है। जो आप जो एप्लीकेशन फिल करते हो उस एप्लीकेशन में जो ईमेल आईडी आप उनको मतलब प्रोवाइड कराते हो, या जो भी ईमेल आईडी आप फिल करते हो, या जो व्हाट्सएप नंबर अपना फिल करते हो, तो उसी पे आपको जो है ईमेल या फिर व्हाट्सएप आता है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ये भी गलती करते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि मिस्टेक हो जाता है कि ईमेल आईडी की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो जाती है, तो उनको पता नहीं चलता है। तो मेक श्योर कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जो दे रहे हो तो 2-3 बार आप उसे रीचेक कर लो, ताकि आपको जब वो उस साइट से ईमेल करे या व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो वो आपको मिल जाए। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि 3 दिनों से ज्यादा हो जाता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर लोगों को 3 दिन में ही मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों को 1 वीक में भी आता है, 10 दिन में भी, 12 दिन में भी, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो जिनको भी नहीं आया है, क्योंकि उसके अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बस उनको अपने साइड से एक ईमेल कर दो इसके रिगार्डिंग, उसके बाद आप वेट करो, ठीक है, और अपना ईमेल जो है वो आप रेगुलर चेक करते रहो। उसके बाद एक बात ये है जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब अप्लाई कर सकते हैं, तो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आप जो है आप बैच का पता नहीं चलता है ऐसे पब्लिकली के कौन सा बैच स्टार्ट होने वाला है या कौन सा बैच स्टार्ट हो गया है, आप जब अप्लाई कर दोगे तो मे बी जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आप इस बैच के लिए सिलेक्ट हुए हो, या 85, 86 जो भी बैच चल रहा होगा उस टाइम पे, जिस बैच के लिए आपका सिलेक्शन हुआ होगा वो उस ईमेल में लिखा हुआ होगा जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। ऐसे पहले क्या था कि वेबसाइट पर लिखी हुई होती थी ये चीज के इस बैच के लिए एप्लीकेशन लिया जा रहा है, बट अब उस चीज को जो है रिमूव कर दिया गया है, तो अब आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ईमेल के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आप इस पर्टिकुलर बैच के लिए जो है आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आप पीओ प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गए हो, मतलब ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब आप अप्लाई करते हो, बहुत लोगों को उस साइट से ऑनलाइन टेस्ट का ईमेल नहीं आता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि मैंने बहुत बार बताया है कि जब आप अप्लाई कर देते हो, एप्लीकेशन आप फिलअप करते हो, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने के बाद जब आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होता है तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, चाहे तो वो आपको ईमेल करेंगे या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज करेंगे आगे के प्रोसेस के लिए। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते हैं, तो उनको भी जो है ईमेल आ जाता है कि आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो इस प्रोसेस में हो सकता है कि 1 वीक या 2-3 डेज या 5 डेज, डिपेंड करता है, किसी किसी को 1 वीक में भी आ जाता है, किसी किसी को 15 डेज या उससे ज्यादा भी लग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको टाइम लगा है, बहुत लोगों को 2-4 दिनों में ही आ गया है आगे के प्रोसेस के लिए। तो एप्लीकेशन आप जब फिलअप कर दो उसके बाद आप वेट करो। उसके बाद यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट का के रिगार्डिंग बहुत लोगों का ये था कि मार्क्स जानने का होता है, तो मार्क्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं होता है। एक और चीज की ऑनलाइन टेस्ट जो होता है, ठीक है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस बस 2 सिंपल स्टेप का है, वो ये है कि एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, आप जब ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस है, जब आप ये दोनों क्लियर कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात के इंटरव्यू में बहुत लोगों को क्या होता है
कि जिस डेट का उनका दिया हुआ होता है वो ऑनलाइन भी आते हैं बट उनका इंटरव्यू नहीं हो पाता है, तो ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो उस केस में आप उनको जो है इसके रिगार्डिंग एक ईमेल कर दो, ठीक है, उसके बाद वेट करो और हो सकता है वो आपका बाद में इंटरव्यू जो है वो शिफ्ट कर देते हैं कि आपका इस डेट को इंटरव्यू लिया जाएगा। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो आपका पूरे दिन का हो सकता है। मान लो कि आपको टाइमिंग दी गई है 10 से 11 बजे और आप ऑनलाइन भी आ गए हो, ठीक है, और आपका उस टाइम पे नहीं हुआ है, समटाइम्स ऐसा हुआ कि 2-3-4 घंटा वेट करने के बाद आपका हुआ है, तो ऐसा होता है। आप जब इनकी वेबसाइट पर जाओगे तो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो है आप एक एक करके उसको रीड कर लेना। ये चीज यहाँ पर भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो एक पूरे दिन का प्रोसेस हो सकता है। हो सकता है कि आपको पूरा दिन लग जाए अपना इंटरव्यू कंप्लीट करने में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू पूरे दिन होगा, इंटरव्यू थोड़ी देर का ही होता है, बट आपका नंबर आने में हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, जिसके लिए आपको वेट भी करना पड़ सकता है पूरे दिन का, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट कुछ और बातें ये हैं कि इंटरव्यू जब आपका होगा तो इंटरव्यू किस तरीके से देना है, मतलब कि जो ड्रेस कोड है वो क्या होगा। तो देखो, वैसे तो ड्रेस कोड यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है बिजनेस फॉर्मल्स, ठीक है। बेसिकली देखो क्या है कि आपको इंटरव्यू के लिए फॉर्मल्स पहन करके बैठने हैं, जैसे कि शर्ट पैंट होता है, अगर टाई है तो टाई लगा लो, बेटर है, और अगर आपके पास ब्लेजर है तो काफी अच्छा है, बट अगर नहीं है तो इससे कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है। आप बेसिक जो फॉर्मल ड्रेस होता है वो फॉर्मल ड्रेस पहन करके अच्छे से आप इंटरव्यू के लिए बैठ जाओ, ये इंटरव्यू का ड्रेस कोड है, ठीक है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पीओ प्रोग्राम के अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 55% मार्क्स, 55% मार्क्स से। अब बहुत लोग का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि 55% से बिलो है, 54.9 है, तो आप एक बार अप्लाई करके चांस ले लो, वैसे भी एप्लीकेशन फी लगती नहीं है, ठीक है। उसके साथ में जो आपकी एज होनी चाहिए वो अप टू 27 इयर्स होनी चाहिए, 27 साल तक के अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, 27 साल से ज्यादा हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप अप्लाई भी करोगे तो शायद आपको उस साइट से ईमेल आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद कितना टाइम लगता है आपका टेस्ट होने में या फिर इंटरव्यू के लिए, तो मैंने आपको बता दिया पूरे दिन का प्रोसेस हो सकता है। टेस्ट के लिए आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है, और 60 मिनट्स में आपको 30-30 क्वेश्चंस जो है इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स के होते हैं, तो टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं, 30 इंग्लिश, 30 रीजनिंग, 30 मैथ्स, तो टोटल 90 क्वेश्चंस और आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे बहुत लोग का सिलेक्शन हो जाता है और उनका इश्यू ये रहता है कि अगर मैं पहले पहुंच जाऊं मणिपाल बैंगलोर तो क्या मुझे अकोमोडेशन मिलेगा। आपको जो डेट दी गई है उस डेट में आपको जाना है, जो आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, वो सारी पूरी हो जाती है, उसके बाद आपको अकोमोडेशन मिल जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो डेट दी गई है उसके 15-20 दिन पहले अगर आप पहुंच जाओ तो फिर मेरे ओपिनियन में शायद आपको उस टाइम पे अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। और बहुत लोग का ऐसा क्वेश्चन होता है कि बहुत लोग के साथ उनके पेरेंट्स भी जाते हैं ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के लिए, ठीक है, तो अकोमोडेशन पेरेंट्स के लिए नहीं होता है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप भी जा करके रीड कर सकते हो। उसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो कि है ईमेल के रिगार्डिंग। आपने जो ईमेल दिया है, ठीक है, आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल अपना दिया है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है या आपने गलत फिलअप कर दिया है, तो वो अगर आपको अपडेट करना है तो उसके लिए भी जो है अब ये चीज आपको एक ईमेल आईडी दी गई है। जो आप उनकी वेबसाइट पर जाओगे, उनकी वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे नीचे जब आप बॉटम पे आओगे तो FAQs होंगे, उस पे शो मोर पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि एक क्वेश्चन ये भी है कि आप अपना ईमेल आईडी जो है वो अपडेट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है, उस पे आपको ईमेल करना है और आपका जो भी अपडेटेड ईमेल है उसमें मेंशन करना है कि ये आप मेरी ईमेल आईडी अपडेट कर दीजिए, तो फिर आपको अपडेट कर दी जाती है वो चीज। उसके साथ में 2-3 और इम्पोर्टेंट डिटेल्स मैं जल्दी से बता देता हूँ, वो ये है कि एक साल का ये कोर्स होता है जिसमें कि 4 महीना आपका क्लासरूम प्रोग्राम, 4 मंथ्स आपके क्लासरूम प्रोग्राम मणिपाल बैंगलोर में होता है, 2 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है और 6 मंथ जो है लास्ट के वो आपका OJT होता है, तो टोटल 1 साल हो गया, ठीक है। 1 साल के बाद आपका फाइनल जो है फाइनल पोस्टिंग होती है आपकी, वो किसी भी ब्रांच में हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, आपको प्रेफरेंस मिले
लोकेशन चूज करने का, बट एट लास्ट उन पे ही डिपेंड करता है कि वो आपको किस शहर में या फिर किस सिटी में आपको पोस्टिंग देंगे। उसके साथ मैं बता दूं कि फर्स्ट 4 मंथ जो आपका क्लासरूम प्रोग्राम होता है उसमें 5,000 रुपए आपको स्टाइपेंड मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 महीने की जो इंटर्नशिप होती है 2 मंथ की आपकी, उसमें आपको 22,000 से 24,000 रुपए के बीच मिलता है स्टाइपेंड, डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हो। उसके साथ जब आप ओजेटी स्टार्ट करते हो 6 मंथ के लिए, तो उस टाइम जो आपकी स्टाइपेंड होती है वो होती है 28,000 से लेके 32,000 रुपए, डिपेंड करता है ये कि आप किस सिटी में हो। और उसके साथ में जो 1 साल का ये कोर्स है उसके लिए जो फीस लगती है वो है 2,55,500 रुपए। इसमें आपका जो GST है वो इंक्लूड है, इसमें इस फीस में आपका लॉजिंग फूडिंग वो सारा इंक्लूड होता है। और साथ में आपको एक डिग्री भी मिलती है जब आप फाइनल 1 साल का ट्रेनिंग, मतलब 1 साल की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो, पास आउट हो जाते हो, फाइनल पोस्टिंग हो जाती है, तो आपको एक डिग्री भी मिलती है जो कि होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग। इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स है वो कि आप अगर इंजीनियरिंग भी आपने की हुई है, बीटेक या बीई जो कुछ भी हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले ये चीज नहीं थी, अब जो है एलिजिबल कर दिया गया है। आपका ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो या फिर अगर आप बीटेक होल्डर भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट डिटेल्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि ICICI PO प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो है बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स के होते हैं। तो आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया होगा वो समझ में आया होगा। अब अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।